मंदसौर जिले की सुवासरा पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करने वाली दो महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महिलाएं पंजाब से डोडा चूरा लेने मंदसौर आई थी, जहां से अवैध डोडा चूरा पंजाब ले जाया जा रहा था। इसी बीच उन्हें सुवासरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुवासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के लखतपुरा गांव की पुलिया के निकट बीती रात नाकाबंदी करते हुए एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें 60 किलो से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला है। मौके से कार चालक और दो महिला को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी महिलाएं पंजाब की रहने वाली है और इनकी आरोपी मनोहर गुर्जर से पहले से पहचान है। आरोपी मनोहर गुर्जर ने दोनों महिलाओं को डोडा चूरा उपलब्ध कराया और जिसके बाद अपनी कार से आरोपी महिलाओं को रामगंज मंडी तक छोड़ने जा रहा था। यहां से महिलाएं ट्रेन के रास्ते पंजाब जाने वाली थी। सुवासरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गहलोत के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा था मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जिसके तारतम्य में एसडीपी महोदय सितमो के निर्देशन में कल मुख्य सूचना से हमारे एएसआई ने मनोहर सिंह तथा भगवान सिंह गुर्जर जाति का 27 वर्ष निवासी धानड़ी को, उनके साथ दो महिलाएँ जो पंजाब की हैं, 66 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ पकड़ा है। जी, ये डोडा चूरा लेकर के राजस्थान जा रहे थे। राजस्थान से होते हुए लोग पंजाब के लिए निकलते हैं। कितना कीमत है? 54,000 कीमत है। 66 किलो डोडा चूरा है और एक अल्टो गाड़ी है MP14 CV3922।